प्रथम तहलका न्यूज। जींद का भंबेवा गांव इन दिनों प्रवासी पक्षियों से गुलजार हो रखा है। लगभग हजारों किलोमीटर का सफर तय कर ये प्रवासी पक्षी जींद के भंबेवा गांव में पहुंचे हैं और इनकी संख्या लगभग 15 से 20 हजार के करीब है। बता दें कि इस गांव में करीब 400 एकड़ में फैला एक तालाब है जिसमें कि ये प्रवासी पक्षी आते हैं। वो अपने गुवाना रोड पर भंबेवा गांव के खेतों में है, तो ये जो भी प्रवासी पक्षी है माइग्रेटरी बर्ड, तो हर साल नवंबर से आने शुरू करती हैं और फरवरी का लास्ट तक, या सर्दी बढ़ जाए तो फिर ज़्यादा भी रह सकते हैं। ये नवंबर के महीने में हर साल ये प्रवासी पक्षी आते हैं, 10-12 देशों से आते हैं, जिसमें से मुख्य हैं अपने चाइना है, साइबेरियन और रसिया, मंगोलिया। ये हजारों किलोमीटर का सफर तय करके अपने भोजन की तलाश में और प्रजनन के लिए, तो ये गर्म देशों का रुख करते हैं। तो ये अपने हिमालय को पार करके आते हैं। इनको एक तो वहाँ माइनस में तापमान रहता हमेशा, अब सर्दियों में यहाँ 100 डिग्री माइनस तक तापमान चला जाता है, तो वहाँ उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, तो ये खाने की तलाश में और अपना प्रजनन के लिए ये गर्म प्रदेशों का रुख करते हैं। ये आते हैं नवंबर के महीने में। हरियाणा में जींद के अलावा सुल्तानपुर नेशनल पार्क और भिंडावास में ये प्रवासी पक्षी आते हैं। हर साल चाइना, मंगोलिया, रसिया और साइबेरिया जैसे ठंडे देशों से आते हैं। प्रजनन और खाने की तलाश में अपेक्षाकृत कम ठंडे जगह की तलाश में ये प्रवासी पक्षी भारत में आकर प्रवास करते हैं। प्रमुख रूप से बार हेडेड गूज, स्पून बेल डक, ग्रे लेग गूज, पेनटेल और कॉब डक यहाँ पर अपना बसेरा डालते हैं। हजारों किलोमीटर ऊपर से होकर गुजर के अपने इंडिया में आते हैं। अपने हरियाणा में वेटलैंड है, अपने कलेश्वर की है, अपने सुल्तानपुर नेशनल पार्क, भिंडावास और ये भंबेवा झील। इसकी जांच की आपने, जो बीमारी चली हुई है? बीमारी हम लगातार मॉनिटरिंग करें, निरीक्षण करते रहते हैं, हर रोज जाते हैं, तो अभी तक कोई पक्षी मरे दिखाई दिया, किसी में बीमारी के लक्षण। सभी हमारे विदेशी मेहमान सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं। थोड़ा बहुत खतरा तो है? अभी तक तो कोई खतरा नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई केस नहीं आया जिससे हमारा वाइल्ड बर्ड्स कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ। इनका सैंपल अगर कोई भी मरिया मिल गया, कोई इंजर्ड मिल गया, कोई ऐसी बात है तो इनका सैंपल भेजा जाएगा जलंधर। अभी सभी स्वस्थ हैं, अभी कोई मतलब ऐसा एक भी पक्षी नहीं मरिया मिल गया। दिसंबर में भारत आकर ये पंछी फरवरी में वापस अपने देश लौट जाते हैं। हालांकि बर्ड फ्लू को देखते हुए वन्य जीव संरक्षण विभाग इस तालाब की हर रोज मॉनिटरिंग भी कर रहा है और इन प्रवासी पंछियों पर विभाग की पैनी नजर बनी हुई है। प्रथम तहलका के लिए जींद से परवीन कुमार की रिपोर्ट। इतना साफ यकीन नहीं होता, वाओ, इसके बर्तन तो हमेशा नए लगते हैं। ये है विस्मा क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का कमाल, सुरक्षा 100% और सफाई बेमिसाल, हर माँ की पसंद विस्मा।